Assalamu alaikum students, hope so you're all good. Today we are going to start the activity number 3 of grade 8 science. So in this activity, liquids and solids and gases ko hum explain karenge, define karenge. सबसे पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में बताया गया है. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि सॉलिड्स जो हैं उसके पार्टिकल्स उसके एटम्स जो हैं वो स्लोली मूव करते हैं और बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं. ठीक हो गया, एक दूसरे से दूर नहीं जाते, इकट्ठे रहते हैं, स्लोली मूव करते हैं या बिल्कुल मूव नहीं करते. देन सेकेंडली आपको उन्होंने बताया है कि इस जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उन्हें अगर हम एनर्जी दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सॉलिड की एग्जांपल लेते हैं आइस. ठीक है, तो आइस इज़ अ सॉलिड, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, तेज़ी से मूव नहीं करेंगे. सो अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो आइस को अगर आप हीट अप करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टली मूव करना शुरू हो जाएंगे और साथ वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, यानी वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में. और आइस की एग्जांपल में हम उसे कहेंगे वाटर. ठीक है, तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप उस वाटर को मज़ीद एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो दूर होना शुरू जाएंगे एक दूसरे से मज़ीद, और वो पूरी की पूरी जो प्रोवाइडेड स्पेस है, जो उनको स्पेस दी जा रही है उसके अंदर फिल कर लेंगे खुद को, पूरी तरह भर जाएंगे. तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस, यानी वाटर के केस में स्टीम कहेंगे. ओके, सो इनकी प्रॉपर्टीज़ में, गैस की प्रॉपर्टी में ये होता है कि वो अपने आप को कम्प्लीटली फिल कर लेती है जहाँ पे जो उसको स्पेस प्रोवाइड की जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रूम के एक कोने में स्प्रे करें परफ्यूम का, तो वो पूरे के पूरे कोने में, पूरे रूम में वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी, हर कोने पे आपको खुशबू आएगी. यानी एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसने जो एयर फ्रेशनर की या जो परफ्यूम की स्प्रे की गैस थी उसको फिल कर दिया पूरे रूम के अंदर. उसके बाद इसको आप आपने प्रैक्टिकली देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको 3 बलून्स चाहिए एक्टिविटी नंबर 3 को परफॉर्म करने के लिए. सबसे पहले आप बलून नंबर 1 लेंगे. बलून नंबर 1 के अंदर आपने गैस फिल करनी है. गैस कोई भी हो सकती है, चाहे आप मुंह से उसके अंदर फिल कर लें, चाहे आप उसके अंदर एयर पंप से बलून के अंदर हवा भर लें, या फिर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें हीट करके, और उस स्टीम को आप गैस के तौर पे इसमें फिल कर लें. फिल करने के बाद आपने उसको टाई करना है, और उसके बाद आपने इस प्रोवाइडेड स्पेस में 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज शेप ऑफ द बलून, कि बलून की शेप क्या थी, और सेकेंडली वो इस शेप का क्यों था. ठीक है, इस शेप में क्यों आया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में यहाँ पे बताया है कि परफ्यूम जो है वो पूरे रूम में फिल अप हो जाती है, एटम्स जो गैस के हैं वो अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं. तो यही आपने इसमें रीज़न के तौर पे बताना होगा कि क्यों गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें फिल करने से बलून की ऐसी शेप हो गई. ठीक है, उसके बाद आपने जो बलून नंबर 2 लेना है. बलून नंबर 2 के अंदर आपने लिक्विड फिल करना है. ज़्यादा आसानी के लिए आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं. आपने वाटर इसमें फिल करना है और उसको इसी तरह टाई करना है. टाई करने के बाद आपने 2 चीज़ें, 2 ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिखनी है यही प्रोवाइडेड स्पेस के अंदर. सबसे पहले शेप ऑफ द बलून क्या थी, अब इस बलून नंबर 2 की क्या शेप थी, और वो ऐसी शेप का क्यों था. थर्ड बलून आपने लेना है. थर्ड बलून के अंदर आपने क्या करना है, लिक्विड फिल करना है, यानी वाटर को फिल करना है. वाटर फिल करने के बाद आप उसको टाई कर देंगे, और उसके बाद आपने उसको फ्रीज़र में रख देना. ठीक है, फ्रीज़र में रख के आपने उसको आइस में कन्वर्ट करना है, इस बलून के अंदर मौजूद तमाम वाटर को. फिर आपने क्या करना है कि अब आपने फिर से इन 2 क्वेश्चन का आंसर इस प्रोवाइडेड स्पेस में लिखना है. शेप ऑफ द बलून क्या थी, और इस शेप का बलून क्यों था. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इसमें आपने ऐड करना है. इस प्रोवाइडेड स्पेस में आपने एक और चीज़ भी लिखनी है कि क्या ये शेप ऑफ द बलून इन दोनों शेप्स ऑफ द बलून से डिफरेंट थी या सेम थी.
ठीक है, यानी गैस और लिक्विड वाले बलून्स की शेप सॉलिड वाले बलून जैसी थी, सेम थी या फिर डिफरेंट थी, और अगर सेम थी तो क्यों सेम थी, और अगर डिफरेंट थी तो क्यों डिफरेंट थी, यह आपने एक्सप्लेन करना है इस प्रोवाइडेड स्पेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हर एक को हेल्प करें और समर टास्क में भी एक दूसरे को हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।